या आजाद भारत, वक्त जो बिहार था बहुत उससे बेहतर हालत में न उसे बहुत बेहतर हालत में वह 2005 में था। तो बेहतरी की तरफ बिहार बढ़ते हुए आगे जा रहा। आज हम यहाँ आए उसे और बेहतर बनाने के लिए, तो हम आगे चलेंगे। जो जमीन के ऊपर खड़ा है, उसी पाताल से जिसने जमीन के बराबर सतह को लाया है, सबसे बड़ी ताकत उसमें पैदा हुई और उसके ऊपर हजार मंजिले मकान बनते जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। महागठबंधन तो हो गई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो जदयू है वो बीजेपी के साथ में थी और फिर अलग अलग उनके बयानबाजी होते थे, लगातार कटाक्ष करते थे तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोगों पे, चाहे लालू यादव हो या उनके पीछे जो शासन वो किए हुए थे 15 साल के बारे में वो करते थे कि कैसे पहले जंगल राज था उसके बारे में लगातार नीतीश कुमार कहते नजर आते थे और आप भी देखते थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ, बीजेपी से नाता छूटा और फिर RJD के सपोर्ट में आ गए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ हो गए, तो फिर सुर ही बदल गया। लेकिन सुर तो बदला ही, लगातार वो हमेशा कहीं कहीं फंक्शन जो होता था वहाँ पे ये नज़र आते थे, कोई भी जो कुछ अधिवेशन होता था उसमें नज़र आते थे कि तेजस्वी यादव के तरफ इशारा करके वो कहते थे कि अब तो इन्हीं को बढ़ाना है, इन्हीं को चलाना है सब कुछ, अब इन्हीं को बढ़ाना है। लेकिन कल जदयू में एक अधिवेशन हुआ और उसमें नीतीश कुमार ये कहते नज़र आ गए कि हम 15 साल के बाद जो पहले हुआ था, जो सरकार चल रही थी उसके बाद 15 साल के बाद हम किस तरह से विकास किए हैं वो आप देखिए। चलिए, तो यानी कि ये फिर से वो भूल गए कि उन्हें पक्ष में बोलना है तेजस्वी यादव को, लेकिन यहाँ पे कहते नज़र आ रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, जब पहले की सरकार थी उसके बाद हम 15 साल के बाद देखिए किस तरह से विकास कर रहे हैं। पहले वो ये कहते नज़र आते थे साफ तौर पे कि देखिए पहले जंगल राज था, आप जंगल राज से हम कैसे मंगल राज में ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो चूक गए, बोलते ये नज़र आ ही गए, उनकी बातों में ये नज़र आ ही गया, क्योंकि वो जो सुर था बोलने की जो आदत बनी हुई थी कि हम विकास कर रहे हैं, और उन्होंने फिर से कह दिया कि 15 साल में देखिए किस तरह से विकास हमने किया है, और अब वो घेरे में आ गए हैं, सवाल के घेरे में आ गए हैं, और उसी पे हमने सवाल किए RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से, उनसे हमने सवाल किए, तो बड़ा ही जो उनका जो तरीका है बोलने का, बड़ा ही अच्छे तरीके से वो बच बचा के किस तरह से निकल रहे हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। उनका खुला अधिवेशन था, उसमें उस दौरान उन्होंने कहा, अपने विकास की चर्चा की, विकास की बात की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 15 साल पहले के जो बिहार को से उसे विकास की तरफ बढ़ाया है, तो ये 15 साल कमेंट, ये मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर ये किस तरीके से। एक बात बराबर समझ लो, 100 किलोमीटर की यात्रा में जो 15 किलोमीटर चला है वो भी आगे बढ़ा है, जो 15 से 30 किलोमीटर चला है तो वो भी 15 किलोमीटर ही चला, लेकिन 15 + 15 = 30 उसका है। जो फिर 10 किलोमीटर भी चलेगा तो 10 किलोमीटर के बाद उसको 40 किलोमीटर की उपलब्धि उसके शामिल रहेगी। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, ये सतत प्रक्रिया है। क्या आज़ाद भारत कि वक्त जो बिहार था बहुत उससे बेहतर हालत में 90 में भी था, उसे बहुत बेहतर हालत में वह 2005 में भी था। तो बेहतरी की तरफ बिहार बढ़ते हुए आगे जा रहा। आज हम यहाँ आए उसे और बेहतर बनाने के लिए, तो हम आगे चलेंगे। तो जो आज हो चुका वो समाप्त नहीं हो जाएगा, आने वाले कल का आज भी उपलब्धि है, और हर एक उपलब्धि के बाद अगली उपलब्धि की तैयारी की जाती है। लेकिन वो लगातार बार बार ये बात कहते आ रहे हैं, पहले जब वो आपके साथ नहीं थे और जब आपके साथ हैं, वो लगातार वो पिछले शासनकाल लालू राज के बाद की बात करते थे, उसे उस समय जंगल राज कह रहे थे, आज उन्होंने कहा कि हमने वहां से विकास। मैं उस विवाद में सुनिए, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। बहुत स्पष्ट मैंने बता दी कि उपलब्धि एक का एक सिलसिला है और कोई जीरो से शुरू नहीं करता है। पहले की उपलब्धि के ऊपर धरातल पर खड़ा होकर के याद रख लेना, यदि हम समतल जमीन को करते हैं, पाताल की तरह गहराई है तो वो भी एक उपलब्धि है, लेकिन जमीन के ऊपर नहीं है। लेकिन जो जमीन के ऊपर खड़ा है
उसी पाताल से जिसने जमीन के बराबर सतह को लाया है, सबसे बड़ी ताकत उसने इकट्ठा की और उसके ऊपर हजार मंजिले मकान बनते जाएंगे, हर संतान जाएगी, पुरखों की उपलब्धि को लेकर के आगे बढ़ती जाएगी। यही विकास की सतत प्रक्रिया है और तुलनात्मक चीज हमेशा पहले से आज तो अच्छा दिखता ही है। तो आपने सुना कि कैसे जगदानंद साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए पहले भी अच्छी थी, बिहार हमारा अच्छा था, जब आज़ादी के समय की अगर बात कर ले तो उस समय भी बिहार की जो स्थिति थी वो तो आपने देखा ही। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आता है हर लोग बदलता है, उसके बाद फिर 90 की अगर टाइम ले ले तो 90 में भी बिहार हमारा विकसित किया, अगर 2005 की टाइम ले ले तो बिहार 2005 में भी हमारा बिहार विकसित किया। और न्यू तो है उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा है, लेकिन उन्हें ये जरूर कह दिया है कि न्यू जो है वो हमने ही डाला है, भले ही उसमें 5 मंजिला बिल्डिंग बना ले या 10 मंजिला बिल्डिंग बना ले। यानी कि उनका कहने का मतलब है विकास हमने ही किया है, नीतीश कुमार अपना नाम बस बखार रहे हैं और अपने आप को भी उन्होंने बचा लिया और नीतीश कुमार को भी बचा लिया। ये है महागठबंधन। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।